उज्जैन भाजपा जिला इकाई द्वारा केंद्रीय मंत्री थावरचंद्र गहलोत का सम्मान किया गया। भाजपा के जिला इकाई द्वारा आयोजित कार्यक्रम में थावरचंद्र गहलोत का शाल श्रीफल भेंट कर फूल की माला पहनाकर उनका स्वागत सम्मान किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। केंद्रीय सामाजिक एवं न्याय मंत्री थावरचंद्र गहलोत ने आने वाली नवीन जनहितकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद्र गहलोत का भाजपा उज्जैन जिला इकाई द्वारा सम्मान किया गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा कि वे सन 1965 से लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। जनता की सेवा के लिए उन्हें जो भी दायित्व दिया गया उसका उन्होंने पूरी जिम्मेदारी के साथ निर्वहन किया है। जनता की सेवा के लिए किसी पद की आवश्यकता नहीं होती है। पार्टी ने जब उन्हें मौका दिया उसका उन्होंने पूरा उपयोग किया। कि सारे देश में भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान प्रारंभ हुआ है और उस सदस्यता अभियान की शुरुआत 6 तारीख से होगी, 6 जुलाई से, जो श्यामा प्रसाद जी की जयंती है। और जयंती से हमारी जो हर साल सदस्यता करते 6 साल में एक बार, वो जो सदस्य बने हैं पहले उनको छोड़ करके इसमें 20% से अधिक नए सदस्य बनाना है। और फिर दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी में चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ होगी और नीचे से लेकर के अर्थात मंडल इकाई से लेकर के बूथ इकाई से लेकर के केंद्रीय इकाई तक भारतीय जनता पार्टी के चुनाव होंगे। ग्रामीण इकाई की तरफ से भी है, वो शायद 4-4:30 बजे से है, वहां भी जाएंगे, वो भी सम्मान करेंगे। पर मेरा एक निवेदन है पार्टी वालों से और बाकी सबसे भी कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है वो एक तरह से सम्मान ही है, इसको सम्मान मान करके